अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अज़मल्ली बैन लहयही और रिजलही अज़मन लहुल जन्ना, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे, जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन सी है वो दो चीजें? बैन लहयही, दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं, गाल मुंह, इनके बीच में नहीं जबान, जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की चीज यानी जबान की जमानत दे दे, मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा, इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो बैन रिजलही, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों टांगों के बीच, यानी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे, अज़मन लहुल जन्ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं उसको जमानत देता हूं जन्नत की, मैं उसको जमानत देता हूं कि ये जन्नत के अंदर जाएगा, ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ये जन्नत के अंदर जाएगा, मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूं, ये जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जो गीबत चुगली होती है, ये बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखा कि एक सहाबी उठ के जा रहे हैं, नाम है उनका अबू सईद खुदरी, सलाम, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली, वो जा रहे हैं। जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो, वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। दुनिया में जन्नती, जिसको जन्नती देखना हो, देख ले ये जन्नती जा रहे हैं। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वो अबू सईद खुदरी है। दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई, जब सलाम फेरा, अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने जन्नती न देखा हो, वो देख ले जन्नती जा रहा है। साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, तो वही अबू सईद खुदरी हैं। तीसरे दिन आपने फिर फरमाया, जिसने जन्नती न देखा हो, वो देख ले जन्नती साहबी है, ये जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जन्नती कहा, तो साहबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा, कौन है? कि वही अबू सईद खुदरी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को तजस्सुस हुआ कि ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नबी, जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं, लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हों, हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हों। तो ये उनके घर पहुँच गए, अबू सईद खुदरी ने कहा, आइए, कैसे आना हुआ? कहा, मेरे अब्बू से लड़ाई हो गई है मेरी, कुछ दो तीन दिन में तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। कहा, अच्छा ठीक है, आओ, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे तुम आ जाओ, मेरे मेहमान हो, उनको क्या मालूम ये किस लिए आए। उन्होंने कमरा दे दिया उनको। अब वो अब्दुल्लाह इब्ने उमर उनके को देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं। लेकिन तीन दिन रुकने के बाद, तीन रात रुकने के बाद, अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज़्यादा हो, घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं, यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं। तो तीसरे दिन जब ये वहाँ से जाने लगे, तो कहने लगे, अबू सईद खुदरी, मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था। कहा, क्या पता लगाने के लिए आए थे? कहा, यह देखना चाह रहा था कि तीन दिन आपने नमाज पढ़ी, और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले, तो तीनों दिन आप ही रहे। मैंने सोचा कि पता नहीं, हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो, लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है, जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं, जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं, लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपसे कह रहे हैं, क्या मामला है? अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक वजह हो। का क्या? मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता, बेकार नहीं बैठता, देख रहे हैं, मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता,
जैसी नमाज खत्म होती है सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं फौरन नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूँ। सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूँ। मेरी ये खूबी ये होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूँ, मैंने अब तक न तो अपनी ज़बान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है। हज़रत उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, शायद यही वजह हो। वो अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, अबू सईद खुदरी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सच है? फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं, वो राज में थी, राज में रहने देता, लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो। हाँ आए लोगों, उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की, उन्होंने आज तक अपनी ज़बान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है। यही नेकी है कि अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया, ये जन्नती आदमी है। इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झांकें कि कितने जन्नती हैं। हैं, अभी यहाँ से जाते जाते और घर तक पहुँचते पहुँचते भी किसी न किसी की बुराई कर ही देंगे। और इस मामले में हमारे दाएं बाएं जो बैठी हुई हैं, हज्जने चौधरान है, ये मोहल्ले की औरतें ना, ये उनकी, ये तो अम्मा है बातों की, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे दो औरतें जोर जोर से बातें कर रही थी, अचानक एक आम ऊपर से टूटा और नीचे गिरा। एक औरत कहने लगी, ये अचानक कैसे गिर गया, ये गिरा कैसे? दूसरा आम दूसरी औरत बोलने ही वाली थी कि इतने में आम खुद बोल पड़ा, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए, इसलिए गिर गए। यानी औरतें इतना बोलती हैं कि आम तक पक, उनकी बातें सुन के पक जाते हैं। तराता तराता चले चले चले, ये चुप रह ही नहीं सकती है, ऐसा ट्रांजिस्टर, ऐसा रेडियो है इसका। कभी कभी आप देखिए, स्कूल में भी जाएंगी सहेलियों के साथ तो पीछे बाइक वाला हॉर्न ही मारता रहेगा, इनको हॉर्न नहीं सुनाई देगा बातों के आगे, बातों के आगे।